दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स। सोना खरीदो सोना जीतो स्वर्ण समृद्धि योजना। सिरमौर जिला के पच्छाद में हो रहे उपचुनाव के चलते आचार संहिता लागू है। ऐसे में जिला के सभी लाइसेंस धारकों को अपनी बंदूकें पुलिस थाने में जमा करवानी होगी। नाहन में मीडिया से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक सिरमौर अजय कृष्ण शर्मा ने बताया कि इस बार जहां जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, वहीं पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि 28 सितंबर से पहले सभी अपनी बंदूकें संबंधित थाना में जमा करवा लें। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि भले ही चुनाव सिर्फ पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र में हो रहे हो, मगर आचार संहिता पूरे जिला में लागू है। ऐसे में पूरे जिला के लाइसेंस धारकों को अपनी बंदूकें तय तिथि से पहले जमा करवानी होगी। बंदूकें जमा करवाने की सूरत में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। गौर हो कि सिरमौर जिला में करीब 8,400 बंदूक लाइसेंस धारक है। क्योंकि आपको पता है कि 21 तारीख से जैसे ही चुनावों की घोषणा हुई है, आचार संहिता लग गई है, और आचार संहिता लगने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ये आदेश हैं कि ये जो आचार संहिता है पूरे के पूरे जिला में लगी है, लिहाजा जिला के सब लाइसेंस धारकों को अपने अपने हथियार निकटतम चौकी या थाना में डिपॉजिट करने हैं। ये केवल और केवल पच्छाद कंस्टिट्यूएंसी के लिए नहीं है, लेकिन पूरे जिला के जो लाइसेंस हथियार धारक हैं उनको अपने अपने जो हथियार हैं वो डिपॉजिट करने हैं। तो उसके लिए हमने आग्रह किया है कि ये हथियार अगले 3 दिनों के अंदर अंदर डिपॉजिट कर दें। इस दिशा में डीसी महोदय ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तो मेरा ये आग्रह रहेगा आपके माध्यम से कि सब लोग जिन जिन के पास भी अपने बंदूकें हैं असला है वो निकटतम चौकी या थाना में शीघ्र अति शीघ्र उसको डिपॉजिट कर दे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। त्योहारों के सीजन में भूषण ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है स्वर्ण समृद्धि योजना। 10 सितंबर से 14 सितंबर तक तो आज ही भूषण ज्वेलर्स से खरीदे शुद्ध सोने, हीरे व चांदी के आभूषण और पाएं 2.5 लाख रुपए तक की ज्वेलरी। 2 विजेताओं के लिए दुबई टूर, 3 स्कूटी, 5 32 इंच की LED टीवी और 5 वॉशिंग मशीन व अन्य ढेरों इनाम। आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार सोलन। संपर्क करें 01792221404। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।